हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तैयारी और हमारे वीकेंड स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीक हमने बात करी थी एक ऐसे ऑलराउंडर की जिनकी शायद चर्चा उतनी नहीं हुई थी। इनफैक्ट आईसीसी अवार्ड्स में हमारे मानना था कि भाई ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर में भी उनका जिक्र कहीं ना कहीं होना चाहिए था, सिमी सिंह की। लेकिन आज हम बात करेंगे इंडियन डोमेस्टिक में से एक ऐसे ऑलराउंडर की जो लगातार अपने परफॉर्मेंसेस से, जो हम कहते हैं कि भाई इंडियन टीम के दरवाजे पर भी दस्तक दे रहे हैं। अब आईपीएल जो होने वाला है, सारी फ्रेंचाइजी की नज़र भी उन पर रहेंगी। और आप पीछे दो तस्वीरें देख रहे होंगे, बड़ी खास ये तस्वीरें, क्योंकि एक तरफ उनके हाथ में रणजी ट्रॉफी का टाइटल है जहां पर वो अपनी टीम से थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर थे। दूसरी तरफ आप उनकी देख रहे होंगे कि भाई लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में शतक वो लगा रहे हैं। और जो अभी विजय हजारे सीजन हुआ है, ये हालांकि पिछले सीजन की तस्वीर है, लेकिन इस करंट सीजन में भी उनका 100 आया था और साथ ही साथ वो अपनी टीम से हाईएस्ट रन स्कोरर थे। और ओवरऑल अगर आप टूर्नामेंट देखें तो टॉप 10 रन गेटर्स में भी उनका नाम था। तो ये शायद उनकी ऑलराउंड एबिलिटी बताने के लिए आपको काफी होगा। प्रेरक मानकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रेरक भाई सौराष्ट्र टीम से, बहुत बहुत स्वागत है प्रेरक भाई आपका। और सबसे पहले तो आप ये बताइए, थोड़ा सा सीजन रुक गया क्योंकि रणजी ट्रॉफी की तैयारियां हो रही थी, लेकिन आप लोगों के लिए दो तरीके से है रणजी ट्रॉफी सीजन। एक कि भाई टाइटल डिफेंड करने की भी एक अंदर से मोटिवेशन होगी, दूसरा यह कि आप लोग इतने लंबे टाइम तक डिफेंडिंग चैंपियन भी बने हुए हो, तो किस तरीके से देखते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू। नहीं, हम ऐसे वो पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे कि हम लंबे टाइम तक डिफेंडिंग चैंपियंस है। हमें खेलना है और हम जो खेल रहे हैं वो अच्छा खेल के, अच्छा करके और जीत के दिखाना है बस। अच्छा, आपका जो हम बात करें तो बीते दो तीन साल जिस तरीके से देखें डोमेस्टिक में लगातार परफॉर्मेंसेज आई हैं। इनफैक्ट लास्ट टाइम भी जब आईपीएल ऑक्शन हुए थे तो सब हम सोच रहे थे कि भाई आपको भी पिक किया जाएगा, लेकिन उस टाइम नहीं था। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है स्टोरी डिफरेंट होगी, स्पेशली आपकी जो परफॉर्मेंस आई है, चाहे वो सैयद मुश्ताक अली रहा हो, चाहे फिर विजय हजारे, जहां पर आपकी टीम ने दोनों टूर्नामेंट्स में बड़ा जबरदस्त किया है। और सौराष्ट्र शायद एक ऐसी टीम है जिसने हम देखें तो भाई फर्स्ट क्लास, लिस्ट ए, T20 तीनों में डोमिनेट कर रहे हैं। और आपके जो कप्तान है जयदेव उनादकट, उन्होंने भी इसलिए ट्वीट किया था कि भाई लोग सोचते हैं कि बस फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक इस टीम का सक्सेस सीमित है, लेकिन इसमें भी जबरदस्त कर रहे हैं। और हम इसीलिए सौराष्ट्र के प्लेयर्स को भी आगे देख रहे हैं कि भाई आने वाले समय में आईपीएल में भी बड़ा उनका नाम हो सकता है। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं इस जिस स्टेज पर आप अपने करियर के हैं, आईपीएल ऑक्शन ठीक सामने खड़ा है और एक मेगा आईपीएल ऑक्शन है, तो कितना आप उस तरीके से देख रहे हैं उसे? नहीं, आईपीएल तो अभी किसी भी फर्स्ट क्लास प्लेयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है। तो हमें हमारे जो हाथ में था, जो हमने एज ए टीम हमने किया, जैसे आपने बताया, हमारे कप्तान ने भी मेंशन किया कि हम एज ए यूनिट बहुत अच्छा करते हैं और सब अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तो एग्जैक्टली आपने जो बताया, तीनों फॉर्मेट में अभी हमारी टीम अच्छा कर रही है। और एज अ लाइक आप करियर के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीजन है मेरे लिए, नहीं सभी डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए, क्योंकि ये एक मेगा ऑक्शन है और सभी ऐसा विश करेंगे कि इस बार अगर पिक हो जाए तो आगे आगे जाके उनसे उनको लाइक आईपीएल में खेलने का मौका मिलेगा ऐसा। अच्छा, आपकी कंट्रीब्यूशन हो, चाहे वो सैयद मुश्ताक में हमने अभी देखा बीते सीजन, चाहे विजय हजारे, वो बड़ी जबरदस्त रही हैं और बल्ले से आपने कमाल की परफॉर्मेंसेस दी हैं, टाइमली विकेट्स भी लिए हैं, ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस भी आई हैं। तो आप जैसे खुद को किस तरीके से कंसिडर करते हैं? जैसे हम काफी लोगों के लिए बोलते हैं भाई कि ये बैटिंग ऑलराउंडर है, ये बॉलिंग ऑलराउंडर है, आप अपने को अभी किस ब्रैकेट में देखते हैं कि भाई किस तरीके का रोल आप अपना मानते हैं अभी? इफ अगर आप व्हाइट पूल क्रिकेट लिमिटेड ओवर की बात करें तो आई कैन से दैट आई एम more like a batting all-rounder, but in the red ball cricket I can say that I can bowl as well, kyunki wahan pe thoda help milta hai, swing wagera hota hai red ball mein. To white ball mein 100% I am a batting all-rounder, batsman who can bowl, and I can perform in all three department at अच्छा, आपने क्योंकि रेड बॉल का जिक्र किया तो ये मतलब आपके फर्स्ट क्लास नंबर्स तो सबके सामने होंगे, लेकिन एक जो चर्चा अभी हम करेंगे आगे उसको कम लोगों को पता है कि भाई आपने इंग्लैंड में जाकर 8 विकेटें निकाल दी थी, क्योंकि आपने स्विंग की बात करी तो उस मुकाबले की मैं बात करूंगी क्या कुछ उसमें ऐसा हुआ था। आई थिंक 6 बल्लेबाजों को आपने 0 पर आउट कर दिया था, उस सब पर ही चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपकी जर्नी को अगर हम ट्रेस करने की कोशिश करें तो रणजी ट्रॉफी फाइनल, इतना बड़ा स्टेज, उस पर आपका डेब्यू होता है, जो हम बात करते हैं कि भाई कि सौराष्ट्र तब तक कभी चैंपियन बनी नहीं थी 15-16 सीजन, वो ओकेजन आपके लिए किस तरीके के साथ था? क्योंकि आप कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी में एक शतक भी लगा चुके थे, लगातार एज ग्रुप में अच्छा कर रहे थे, फिर आता है कि सडनली आपको पता चल रहा है भाई डेब्यू तो हो रहा है लेकिन
फाइनल में, और उस वक्त पर मुंबई को हमको पता है किस तरीके से रहती थी परफॉर्मेंसेस, लगातार अच्छी ही रहती थी, और वो बीते फाइनल में जो आपने लास्ट फाइनल खेला था वहां पर भी जीते थे, हालांकि वो रिजल्ट अनफॉर्चुनेटली आपके फेवर में नहीं रहे, बट वो याद करते हुए आप किस तरीके से देखते हैं? एक कहता है कि नहीं, फर्स्ट गेम होता है तो प्रेशर रहता है, और वो भी इतना बड़ा गेम, तो 100% प्रेशर था वहां पे, पर ये भी था कि जो चांस मिला है उसको ग्रैब करना है और जितना बने उतना अपना बेस्ट देना है. तो वन ऑफ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट डे फॉर माई करियर, और एज अ टीम वी बिल्ड फ्रॉम दैट फाइनल. उसके बाद आप देखेंगे तो हम तीन बार फाइनल खेले, और हर बार अच्छा करते गए, और इवेंचुअली हम लास्ट जो रणजी ट्रॉफी एडिशन हुआ, हम चैंपियन हुए. अच्छा, वहां पर आपको मतलब बैटिंग स्लॉट मिलता है नंबर 9, जहां पर एक बहुत ट्रिकी विकेट भी कह सकते हैं उसे, और गेंदबाजी अटैक भी आपका मानना था कि भाई उस वक्त तक आपने उससे बेहतर बॉलिंग अटैक नहीं खेला था, तो वो कैसे रिकॉल करते हैं आप? और उसके बाद आप मानते हैं कि आगे चलते हुए स्टेजेस में आपने थोड़ा उसी तरीके की डिफरेंट सिचुएशंस देखी है, अभी भी मानते हैं कि वही वाकई में एक ऐसा टेस्ट था मेरे लिए शायद, जिसने मुझे वो कॉन्फिडेंस भी दिया कि हाँ भाई इनके सामने मैंने कर लिया है, नंबर 9 पर आना, टीम नीचे लगी हुई थी वहां से परफॉर्म कर दिया, हाफ सेंचुरी लगाना, किस तरीके से आप उसको देखते हैं पूरा? यस, वो इनिंग ने बहुत ही बड़ा मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट किया. वहाँ पे था वो चैलेंजिंग कंडीशन था, सीमिंग कंडीशन था, वहाँ पे मुंबई के बॉलर्स भी सब एक्सपीरियंस और अच्छे बॉलर्स थे, तो उस बॉलर बॉलिंग अटैक के सामने परफॉर्म करना और उस सिचुएशन को हैंडल करना वो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट था टीम के लिए और मेरे लिए भी. तो वहाँ से 100% कॉन्फिडेंस मिला, और वो इनिंग के बाद लाइक आई रियलाइज दैट के अभी ऐसे लेवल की बॉलिंग अटैक को मुझे खेलना है और ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना है, तो वहां से बहुत ही सीखने को भी मिला और वहां से कॉन्फिडेंस. अच्छा, जैसे काफ़ी लोग सोचते हैं यार कि सिर्फ आईपीएल की परफॉर्मेंसेज होती हैं जो इंडिया का एक कॉल अप दिलवाती हैं, लेकिन आप सभी को ये बता दें कि भाई उसी फाइनल का हिस्सा श्रेयस अय्यर थे, प्लेयर ऑफ द मैच थे उस फाइनल में, उनका वो सीज़न बड़ा ज़बरदस्त रहा था, मतलब कि रिकॉर्ड सीजन जिसे हम कहते हैं. उसी फाइनल में शार्दुल ठाकुर भी थे, क्योंकि प्रेरक काफ़ी लोग ये समझते हैं कि यार शार्दुल सिर्फ आईपीएल की परफॉर्मेंसेज से आगे, लेकिन वो सीज़न भी उनका अच्छा रहा था, इनफैक्ट वो मैच भी अच्छा रहा था, तो ये आपको मोटिवेशन देता होगा कि जैसे आप देखते हैं कि डोमेस्टिक प्लेयर्स आज की तारीख में शायद पहले उतनी चर्चा नहीं होती थी, लेकिन जैसे आपका नाम इस बार हम लगातार बात करें, क्योंकि ऑलराउंडर की एक तलाश भी चल रही है देश में, तो लगातार हम देखते थे वेंकी अय्यर का पहले नाम आया, फिर ऋषि धवन, एक नाम जो लगातार हमारे पास आता था कि भाई आप लोग प्रेरक मानकड़ की बात क्यों नहीं करते, उनकी परफॉर्मेंसेज बताइए, उनसे इंटरव्यू करिए, तो ये देखकर कितना ज्यादा एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यार हमारी परफॉर्मेंसेज को उस तरीके से क्रेडिट भी मिल रहा है. नहीं, बात सही है. डोमेस्टिक परफॉर्मर जो आप, अगर आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करेंगे तो आपको उसका क्रेडिट मिलेगा. वो अभी जो आपने बताया उस नाम से, आप उस लिस्ट से आपको पता चल सकता है कि जो जो भी लोग इंडिया के लिए आ रहे हैं वो सब जो डोमेस्टिक में एकदम कंसिस्टेंट परफॉर्म करके, एकदम ग्राइंड करके ही आ रहे हैं. तो ऐसा जो लोग ऐसा मान दे कि सिर्फ आईपीएल के ऊपर है, ऐसा नहीं है कि आईपीएल के ऊपर नहीं है. आईपीएल है, जितना आईपीएल है उतना ही डोमेस्टिक इंपॉर्टेंट है. अगर आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा कि आप आईपीएल में जाके परफॉर्म कर सके. तो डोमेस्टिक भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, और वहां से भी प्लेयर को आई थिंक क्रेडिट मिलता है. अच्छा, फिर अगले साल जो हमने, चलिए आपके डेब्यू सीजन की बात करी फर्स्ट क्लास में, अगले सीजन आपका डेब्यू होता है लिस्ट ए में, और फिर वही फरवरी का महीना जो हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि भाई हो सकता है फरवरी का ही महीना हो और आप एक आईपीएल टीम में भी पिक हो जाए, हमारी बेस्ट विशेज उसके लिए हैं आपके साथ. तो फिर लिस्ट ए में भी डेब्यू, पहले ही सीजन में आप अपनी टीम से लीडिंग रन स्कोरर होते हैं, परफॉर्मेंसेज उतनी नहीं आती, लेकिन फिर वो हैदराबाद का मुकाबला याद आता है जिसमें 190 ऑड आपकी टीम बनाती है, आप उसमें भी 100 लगाते हो, तो शायद वो आपका कैरेक्टर और वो चीज़ एक टेम्परामेंट वहां से स्टूड आउट कर गई कि भाई एक प्लेयर ऐसा है जो डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए है, तो इसमें कितना ज़्यादा आपको प्राइड फील होती है कि यार मुश्किल घड़ियों में जो हम कहते हैं कि परफॉर्म करने वाली बात, वो कितना ज़्यादा आपको मोटिवेशन देती है? आई थिंक फ्रॉम पर्सनली मैं बताऊं, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी प्रोफेशनल क्रिकेटर है या कोई भी एथलीट है, वो जो प्रिपरेशन करता है, जो प्रैक्टिस करता है, जो हार्डवर्क करता है, वो उसी के लिए करता है कि जब डिफिकल्ट सिचुएशन है, जब अगर टीम स्पोर्ट है तो टीम को आपकी जरूरत है, तब आप एक स्टूड आउट परफॉर्मेंस करें. तो मैं हमेशा वही प्रिपेयर, लाइक पहले से ही जब से आपने बताया ऐसे,
कि जैसे मुझे मौका मिला तो ऐसा ऐसा सिचुएशन आया तो मैंने देखा कि नहीं अभी डिफिकल्ट सिचुएशन है, यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो आपका मतलब आप जैसे आपने बताया कि आपका कैलिबर पता चलेगा, आपका पोटेंशियल पता चलेगा कि नहीं ही हैज सम गट्स एंड ऑल। तो ऐसे मुझे लगता है कि सब एथलीट उसी के लिए प्रिपेयर करते हैं कि ऐसा सिचुएशन में आप परफॉर्म करो और टीम को वहां से आप निकालो और अच्छी सिचुएशन में लेके जाओ। तो अच्छा वो बहुत ही बूस्ट करते, कॉन्फिडेंस बूस्ट करते ऐसे अगर परफॉर्मेंस आप करते हैं तो। अच्छा प्रेरक, जैसे आज तो आप फिर भी जैसे हम बात करें कि सब लोग आपके नाम की चर्चा करते हैं, बात करते हैं, लेकिन कभी कभी हमने देखा कि बीइंग अ डोमेस्टिक क्रिकेटर थोड़ा सा मुश्किल भी रहता था इंडिया में एक स्टेज पर। आप अपनी जर्नी को कैसे देखते हैं? कभी ऐसा रहा कि लोगों ने बोला यार कि क्या क्रिकेट खेलना है? सौराष्ट्र आज की तारीख में बहुत जबरदस्त कर रही है, नो डाउट, लेकिन एक वक्त पर सौराष्ट्र को भी लोग उस तरीके से एज अ क्रिकेटिंग हम अगर बात करें कि भाई उस तरीके से नहीं जानते थे। तो वो अपनी जर्नी आप कैसे देखते हैं? कभी आपके साथ भी हुआ कि लोगों ने बोला यार कि नहीं क्रिकेट में यहां से क्या ही होगा, कितना ही आगे चले जाओगे, कहीं और ध्यान दे लो, पढ़ाई लिखाई कर लो। स्टार्टिंग क्या था लाइक जब करियर का स्टार्टिंग था तब बहुत ही लोगों ने ऐसा कहा कि अभी तो ये हो गया है, मतलब आपका 19, आप अंडर 19 के लिए नहीं खेले इंडिया के लिए, तो आप आगे जाके क्या करोगे, ये होगा वो होगा। पर अगर आपका गोल क्लियर है और आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको यही करना है और आपको खेलना ही है ये स्पोर्ट, तो फिर डोंट थिंक कि वो सब जो नॉइस है आप सुनोगे। पर हाँ, वो लोग बोलते हैं कि आप क्या करोगे आगे जाके, अभी आपका ये सिर्फ मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के आपका करियर खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पर इसमें भी आप अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलेंगे, आप सीखेंगे, सीजन बाय सीजन आप अच्छे होते जाएंगे, आपकी टीम को जिताएंगे, तो वो भी एक एक अलग ही चीज है जो सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन या लाइक एथलीट समझ सकते हैं। तो बस उनको लाइक इग्नोर करना है जो ऐसा नॉइस है उनको, और बाकी बस अपना जो आप अपना परफॉर्मेंस और आप अपना वर्क है उस पर फोकस करना है बस। अच्छा आपके कुछ टीममेट से ही बात हुई, हमने कुछ जानना चाहा तो उनने सबने बोला कि भाई हमें एक सीक्रेट ये जानना है कि 2017 के बाद प्रेरक मानकर एज अ स्ट्रोक मेकर उनका जो खेलने का अंदाज हुआ वो बड़ा अग्रेसिव और अटैकिंग हो गया, तो क्या एक वजह है? क्योंकि उन्होंने बोला कि यार ये फिगर आउट हमने नहीं किया कि ऐसा क्या हुआ है वो बैटिंग में जो चेंज देखने को मिला है, और क्या इसके पीछे वही जो हम अभी थोड़ी देर में बात भी करेंगे उसके, कि जो आपने 8 विकेटें इंग्लैंड में जाकर ली थी और वो एक फैक्टर था जो क्लब क्रिकेट आपने वहां खेला, क्या उसने थोड़ा सा आपको एज अ क्रिकेटर डिफरेंट डायमेंशन दिखाई और बेहतर करने में मदद मिली उसमें? हाँ, वहां पे भी जाके मतलब मुझे आई गेट टू नो दैट आई लाइक स्विंग बॉलिंग के लिए मैं थोड़ा बहुत सीखा वहां से जाके, लाइक डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे काउंटर करना है वो भी वहां पे मैं सीखा। तो हाँ, वहां पे जाके हेल्प मिला वहां जाके। पर आई थिंक कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो मैं खेला, पहले साल खेला, दूसरे साल खेला, तो वहां से मुझे आई थिंक ज्यादा सीखने को मिला, और मुझे लाइक सीनियर से भी बात होती रही, और जैसे जैसे खेलते गए ऐसे पता चला कि नहीं आपको जो मेरा रोल है वहां पे टीम में अभी, तो वहां पे आपको ऐसे काउंटर अटैकिंग या काउंटर करने वाली आपको गेम डेवलप करनी पड़ेगी, तो ही आप लाइक अभी के जो डोमेस्टिक क्रिकेट है हमारा इंडिया का वहां पे आप अच्छा से परफॉर्म कर पाओगे। अच्छा क्योंकि जैसे चेतन से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने, जैसे आपकी टीम में काफ़ी सीनियर प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि हम कह सकते हैं भाई कि बहुत बड़े स्टॉलवर्ट्स रहे हैं सौराष्ट्र क्रिकेट के लिए, चाहे वो जयदेव उनादकट हों, चेतेश्वर पुजारा अभी साउथ अफ्रीका में हैं, शेल्डन जैक्सन की हम बात करते हैं, तो चेतन ने एक इंसिडेंट शेयर किया था कि भाई कैसे शेल्डन जैक्सन ने उन्हें मोटिवेट किया था कि उनकी विकेट लो, तो उन क्योंकि थोड़ा सा वो फाइनेंशियली स्ट्रगल भी कर रहे थे, उनके पास स्पाइक्स नहीं थे। तो मैं आपको दूंगा, आपने अपने करियर में ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया, कभी होता ना कि चेतेश्वर पुजारा सामने से आपको बोल रहे हैं यार कि प्रेरक क्या बैटिंग करी, मज़ा आ गया इस नॉक में, और फिर आपको भी वो और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है? कभी आपके साथ ऐसी कुछ चीज हुई हो? नहीं, कॉन्स्टेंटली जब से मेरे मतलब मैंने डेब्यू किया तब से ही, मतलब अगर मुझे कुछ ऐसा मुझे हमारे सब कैप्टन भी हमारे साथ, जेडी भाई भी फ्रीक्वेंटली हमारे ऑन फील्ड एंड ऑफ द फील्ड हमारे साथ, कुछ भी आप उनके साथ कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। चिंटू चिंटू भाई भी ऐसे, कभी भी आप उनको बैटिंग के बारे में पूछो तो आपको बताएंगे, और उनको अगर हम खेलते ड्यूरिंग मैचेस, ड्यूरिंग प्रैक्टिस अगर उनको लगता है तो वो भी गाइड करते हैं। कभी भी ऐसा उनको लगता है तो वो तुरंत ही हमें गाइड करते हैं, तो वो बहुत ही एक लाइक हम सौराष्ट्र प्लेयर्स आर ब्लेस्ड विथ दिस काइंड ऑफ सीनियर प्लेयर्स, सो बहुत ही अच्छा है हमारे यंग प्लेयर्स के लिए सब।
अच्छा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे तो अभी थोड़ा सा मुझे वही देख रहे हैं, कोविड की वजह से ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन आईपीएल के लिहाज से क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ ऐसा कुछ हुआ है कि ट्रायल्स आपने बीते कुछ समय में, क्योंकि ऑब्वियसली आप भी एक, जिसे हम कहते हैं कि हिट लिस्ट बनती है ऑक्शन से पहले, कि भाई ये खिलाड़ी टारगेट करने हैं, और आपका जो रोल है वो बड़ी डिमांड में अभी भाई, कि भाई एक ऑलराउंडर जो कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जिसकी हम बात करते हैं, और स्पेशली आपका जो रोल उस टीम में भी हमने देखा कि आप मिडिल ऑर्डर से फिनिश करने तक उस तरीके की भूमिका निभाते हैं, तो आईपीएल रिलेटेड कुछ अपडेट अगर आप देना चाहें, कुछ ट्रायल्स वगैरह या किसी भी तरीके से। हाँ, ट्रायल्स दिए मैंने, 3-4 फ्रेंचाइज के लिए ट्रायल्स दिए, तो देखते हैं। अभी तो ट्रायल्स डिफरेंट चीज है और ऑप्शन आई थिंक बहुत ही अलग चीज है, तो वहां पे क्या होता है अभी हम आगे जाके देखेंगे। चलिए, पीछे जो हमारे भी तस्वीरें लग भी रखी है, इस पर अगर बात करें तो आपका हाईएस्ट स्कोर 174, इस नॉक को कैसे देखते हैं ईडन गार्डन्स में अपने आप, क्योंकि जो हम भी बात करते हैं यार, हम तो ईडन गार्डन्स कभी उस तरीके से खेल नहीं पाए, लेकिन ईडन गार्डन्स में इस तरीके की नॉक, और उसको कैसे आप लुक बैक करते हैं पूरा का पूरा? आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट था मेरे लिए कि मैं एक ऐसा इनिंग खेलूं, क्योंकि जो मेरा, आप जैसे आपने बताया कि मेरा जो इम्प्रेशन था कि ये स्ट्रोक प्लेयर है, बहुत ही ज्यादा अटैकिंग खेलता है, तो अगर अटैकिंग प्लेयर अगर बड़ा स्कोर बनाता है तो वो आई थिंक कि वो ज्यादा हाईलाइट होगा, तो इम्पोर्टेंट था कि मैं एक बड़ा इनिंग खेलूं मेरे लिए और मेरे टीम के लिए, तो और वो भी एक ऐसे वेन्यू पे जो एक हिस्टोरिकल वेन्यू है, वहां पे ऐसा परफॉर्मेंस आया तो बहुत ही अच्छा अच्छा लग रहा है वो वहां पे ऐसा अच्छा परफॉर्म करके। चलिए, आई होप ऐसी इनिंग्स आपको और मिले, और ज़्यादा आपकी, जिसे हम कहते हैं कि भाई रिकॉर्ड बुक्स में नाम दर्ज हो, और ज़्यादा ऐसे स्कोर्स आए, विकटें आए। अब एक सेगमेंट हमने इंट्रोड्यूस किया है जहाँ पर हम आपकी कुछ तस्वीरों को लेकर कुछ बात करेंगे, यारी टॉक्स, क्योंकि हम अपने व्यूअर्स के साथ अमूमन शो करते हैं यारी टॉक्स। आज आप हमारे साथ जुड़े, हमारी एक यारी हुई है, तो यारी टॉक्स में कुछ तस्वीरें हैं, एक एक कर उन पर बात करेंगे। तो पहली तस्वीर एक बारी देख लेते हैं और उस पर चर्चा करेंगे, फिर आप भी देखिए, आप भी बताइए क्या कुछ आपको याद आता है उससे। रजत, आप पहली तस्वीर दिखा सकते हैं जी। ये एक तरफ हैं प्रेरक मानकर, जो बिल्कुल कह सकते हैं कि सौराष्ट्र सीनियर टीम के साथ नए नए जुड़े हैं, और दूसरी तरफ वही 174 वाले। तो पहला जो तस्वीर जिसमें आपको चेतेश्वर पुजारा दिख रहे हैं, जयदेव उनादकट देख रहे हैं, वहां से लेकर इस टाइम की एक तो जर्नी आपसे जानना चाहूंगा। दूसरा, मैंने जितनी भी बात करी है तो सौराष्ट्र में एक चीज बड़ी डिस्कस होती है, वो है टीम बॉन्ड, कि भाई हम कैसे अपने आप में, जयदेव उनादकट सिर्फ ऐसा नहीं कप्तान है, वो ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड हर चीज से डिस्कस करते हैं, बाकी भी चाहे चेतेश्वर पुजारा हो, शेल्डन जैक्सन हो, सारे के सारे लोग। तो ये क्या सबसे बड़ी ताकत वाकई में सौराष्ट्र की यही है कि भाई जो जिस तरीके का एक टीम कल्चर है वहां पर, और आपने कैसे अपनी जर्नी देखी है शुरुआती दिनों से लेकर अब तक, कि उस ड्रेसिंग रूम में जब आप गए कैसा लगा कि यार इतने सीनियर प्लेयर्स जो अच्छा भी कर रहे हैं, इंडिया तक भी खेल रहे हैं, वो थोड़ा सा आप बताइए। जैसे आपने बताया वो मेरा फर्स्ट टूर का पिक्चर है, जो मैं T20 सैयद मुश्ताक अली मेरा डेब्यू हुआ कोची में, तो वहां का पिक्चर है, तो पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं इनको जाके कैसे बात कैसे करें इनके साथ ऐसा वगैरह, पर एक बार मतलब जब हम टीम में नहीं आए थे तब ऐसा लग रहा था, पर एक बार जैसे हम टीम में आए और फिर जैसे इन लोगों को जाने तो बहुत ही वो बहुत ही एकदम फ्रेंडली है, और एकदम जैसे आपने बताया सौराष्ट्र की टीम के लिए ओवरऑल जो हमारा कल्चर है वही एक ऐसा कल्चर है जो हमारा मेन स्ट्रेंथ वही है कि हम एक एक टीम होके खेलते हैं, एक यूनिटी सबसे ज्यादा अच्छी है, एक दूसरे को बैक करते हैं, अच्छा टाइम है बुरा टाइम है परफॉर्म करता है, एक दूसरे के परफॉर्मेंस एंजॉय करते हैं, तो यही हमारा स्ट्रेंथ है सौराष्ट्र का, तो बहुत ही अच्छा माहौल रहता है सौराष्ट्र की टीम का, और आई थिंक कि जो भी अभी भी सौराष्ट्र की टीम के लिए खेल रहा है या फिर अभी खेलेगा, वो मुझे लग रहा है कि एक ब्लेसिंग्स है कि आप ऐसे मतलब एनवायरनमेंट में खेल रहे हैं और ऐसे सीनियर प्लेयर्स आपके साथ है, जेडी भाई है, चिंटू भाई है, अर्पित भाई है, शेल्डन भाई है, जडेजा, धर्मेंद्र जडेजा, ऑल द सीनियर प्लेयर्स आर ऑलवेज सपोर्टिव, और ऐसा आपको लगेगा ही कि नहीं नहीं कि ये लोग हमसे इतने सीनियर है, फिर भी आपके साथ एकदम नॉर्मल बॉन्डिंग रहेगा और बहुत ही अच्छा टीम का माहौल रहेगा। अच्छा, जैसे आपने बताया भी कि भाई सौराष्ट्र की टीम एक परिवार जैसे, तो आप लोगों के लिए एक झटका भी लगा था, क्योंकि अभी भाई अभी हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, तो वो एक कितना बड़ा झटका था। और क्योंकि जयदेव उनादकट ने भी जब सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रिब्यूट दी थी, तो आपका एक बड़ा फेमस सेलिब्रेशन कह लें या फिर तरीका कह लें मोटिवेट करने का, क्लैप ऑफ फेथ जो आप लोग करते हैं,
तो वो बताया था कि उन्होंने वो इन्वेंट किया था, थोड़ा सा अगर आप उस पर टच कर सकें और वो आप लोगों के लिए कितना एक बड़ा झटका था, क्योंकि वो एक शॉक की तरह आया, हम लोग भी एकदम हैरान थे कि यार ये सडनली ऐसा कैसे हो गया। एग्जैक्टली हम भी एकदम पूरी टीम मतलब शोक थी कि ये कैसे हो गया। अभी भी ऐसा हम अगर फ्लैशबैक में जाते तो हम उनका चेहरा भूल नहीं सकते ऐसा, क्योंकि वो कभी भी जब टीम को जैसे मैंने आपको बताया कि एक लाइक फैमिली की तरह है, जब भी कभी भी ऐसा लगता है कि टीम ऐसा डाउन है लो है तो वही थे जो एकदम टीम को बुस्ट करते थे, एकदम एनकरेज करते थे। वो विकेट कीपर थे तो एकदम एनर्जी हाई रखते थे पूरे टाइम। ऐसा नहीं सिर्फ ग्राउंड पे, वो ड्रेसिंग रूम में भी इतना अच्छा मतलब माहौल रखते थे और बहुत ही एकदम उनके लिए कुछ लाइक जितने वर्ड्स है वो कम है। वो बहुत ही अच्छे एक एज अ क्रिकेटर नहीं, आई थिंक एज अ पर्सन इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आई एवर सीन। बिल्कुल। और अगर आप थोड़ा सा बता सकें, क्योंकि जैसे आप कह रहे कि जयदेव भाई ने उनका शेयर भी किया था कि वो क्लैप ऑफ फेथ जो है उनके द्वारा इन्वेंट किया गया था, उसके पीछे अगर आप थोड़ा सा बता पाएं किस तरीके से वो शुरू किया गया या कैसे, क्या उसके पीछे की कहानी कुछ अगर आप बता पाएं हमें। जो हमारा जो वो क्लैपिंग का स्टार्ट हुआ था वो आई थिंक विजय हजारे 2017 जब हम रनर्स अप हुए थे विजय हजारे में, तब अभी भाई ने स्टार्ट किया था। क्योंकि वनडे क्रिकेट में तब आई थिंक एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, और जब 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 ऐसा हुआ कि कुछ पार्टनरशिप हो रही है, कुछ वो ये हो रहा है, टीम डाउन है, तब अभी भाई ये क्लैपिंग वाला स्टार्ट करते थे और तभी से हमने ये स्टार्ट किया। और फिर हमने यही लाइक रूटीन फॉलो किया विजय हजारे में, रणजी ट्रॉफी में, और जब भी जब जब भी टीम ऐसे डाउन होती थी तब तब अभी भाई ये स्टार्ट करते थे और अभी हम पूरी टीम वही मतलब फॉलो कर रही है। चलिए बहुत बढ़िया, जैसे हम बात भी कर रहे हैं उनको, जैसे आपने बोला कि सारी तमाम अच्छी चीज़ों के लिए हमेशा जो है पूरी दुनिया याद रखेगी और भगवान उनके परिवार को थोड़ा शक्ति दे, क्योंकि एक बहुत बड़ा लॉस था उनके लिए। अगली तस्वीर पर बढ़ते हैं रजत, अगर आप दूसरी तस्वीर दिखाएं तो ये तस्वीर, इसके बारे में डिस्कशन भी, और जो मैं जो ये आप ये हिट लगा रहे हैं हेलीकॉप्टर शॉट, हालांकि आप बड़े हम्बल हैं और आप मान नहीं रहे, मैंने कहा यार मैंने पहली झलक में देखा तो मुझे लगा कि MS अपने स्टार्टिंग डेज, क्योंकि बैट सेम है वो है। फिर आपकी दूसरी तस्वीर है जिसमें आपका कैप्शन है यल लव और IPL ऑक्शन आने वाला है। तीसरी आपने ऑब्वियसली MS धोनी लेजेंड जिन्हें हम कहते हैं उनके रिटायरमेंट पर ये तस्वीर पोस्ट करी थी और मैसेज इसमें लिखा था कि आप किस तरीके से उनको मानते हैं, एडमायर करते हैं। तो ये थोड़ा सा बताइए इस पर, चेन्नई सुपर किंग्स IPL ऑक्शन आने वाले हैं तो कितना ज़्यादा एक, क्योंकि हो सकता है MS का मे बी ये लास्ट सीजन हो जो आने वाला सीजन है, तो अगर उनकी कप्तानी में खेलने को मिले, या फिर अगर आपको एक होता ना कि पूछा जाए कि भाई एक फ्रेंचाइजी जिसमें आप चाहते हैं कि भाई एक हिस्सा बनूं मैं उसका, क्या चेन्नई उसमें टॉप पर है? और वो कैप्शन भी कहीं ना कहीं कहीं से तो कनेक्ट हुआ ही है वो चेन्नई सुपर किंग्स से। नहीं वो मैंने आई थिंक वो लास्ट ईयर के ऑक्शन के पहले डाला था, जी तो उसकी मतलब चेन्नई को एज यस फ्रेंचाइजी जो हम को बात कर रहा हूं, हाँ माही भाई पहले से ही जब से मैं मतलब देख रहा हूँ उनको तब से ही मतलब इंस्पिरेशन रहे, तो ऑब्वियसली उनके अगर वो अगर उनकी कैप्टनशिप के अंडर में खेलने को मिलता है तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो बस आपकी वैसे अभी कौन सी है फेवरेट टीम अगर IPL में, क्योंकि हम हमेशा हम सबकी होती है, जैसे मेरी राजस्थान रॉयल्स है मैं उनको बैक करता हूँ, हमारी टीम में सबकी अलग अलग है, तो आपकी IPL के लिहाज से कौन सी टीम ऐसे रहती है कि फेवरेट टीम ये है मेरी? हाँ CSK वन ऑफ द फेवरेट टीम है मेरी, पर ऐसी अभी अभी IPL इतना मतलब उसका लेवल इतना अच्छा हो गया IPL का कि आप सिर्फ एक टीम को पकड़ कर नहीं बेच सकते, तो आपको अपनी दो तीन टीमें रखनी पड़ेगी। तो नहीं बिल्कुल। CSK उस पे टॉप पे है। यस और अमूमन ये होता है कि CSK सबकी टीम होती ही है वो, मतलब चाहे आपकी फेवरेट कोई भी हो बट CSK सबकी टीम होती है इंडिया में। हमारे साथ भी होता है राजस्थान हाँ रॉयल्स है, किसी की दिल्ली होती है, वही किसी की बैंगलोर, किसी की मुंबई, बट सेकंड फिर CSK होती है, और अमूमन IPL में ये रहा कि वो सेफ हाँ ऑप्शन रहा है। CSK नहीं हारनी चाहिए, बस हाँ ये चीज हमारी होती कोई है, भी टीम हो पर CSK नहीं हारनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वही अगली वही तस्वीर पर बढ़ते हैं रजत, नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं आप। ये तस्वीर ये कितनी खास है, जो हम ट्रॉफी की बात करें, अगर रणजी ट्रॉफी जीतना सौराष्ट्र के लिए, चौथा फाइनल बार बारी, आप पिछला सीजन भी जबरदस्त गया था लेकिन फाइनली उस ट्रॉफी पर हाथ
आ ही गया, जो कितना मैटर करता था टीम के लिए और क्या कुछ माहौल था, इसको थोड़ा सा बताइए। अगर आप इस जर्नी को देखें, सितांशु सर का इसमें बड़ा रोल बताया जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने कल्चर डेवलप किया, जयदेव भाई आपने ऑलरेडी जिक्र किया, तो आप इस सबको कैसे देखते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट है एज अ प्लेयर और एज अ टीम हमारे लिए, क्योंकि हम लगातार, आपने जैसे बोला, चौथा फाइनल खेल रहे हैं 8 साल में, और लास्ट ईयर भी हम खेले थे, तभी हमने वहां पे जब हम हारे, बहुत ही अच्छा खेल के आ रहे थे, ऐसा नहीं थी कि हम आउट प्लेड हो गए थे, अच्छा वहां पे भी हम अच्छा खेले थे विदर्भा के सामने नागपुर में, और अच्छा खेल के आ रहे थे, तभी डिसाइड हुआ था वहीं वहां ड्रेसिंग रूम में कि यही टीम होगी जो सौराष्ट्र के लिए पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतेगी, और हमने लाइक फॉलोइंग ईयर में ही हमें हमने जीत के वो दिखाया, तो एक बहुत ही बड़ी बात है पूरी टीम के लिए। और हाँ, कोटक भाई का भी एक बड़ा रोल था, क्योंकि वो भी लाइक 5 5 साल से इस टीम को कोचिंग कर रहे थे, तो वो और जेडी भाई और इवन लाइक एसोसिएशन, सब मैनेजमेंट एंड ऑल, सबने एक मिलके एक जिसने जिसे बोलते हैं कि एक एनवायरनमेंट ही ऐसा क्रिएट किया था कि ये टीम जितना बने उतना अच्छा परफॉर्म कर सके, और ये वही चीज इस टीम ने करके दिखाई, तो एक बहुत ही बड़ी चीज है हमारी टीम के लिए। चलिए अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं जरा। अगली तस्वीर देखें कौन सी है हमारे पास जिस पर हम चर्चा करेंगे। ये है, आई थिंक ये मुकाबला भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा था, ये बीते सीजन वाला मुकाबला जिसकी आपने भी बात भी करी है। अर्पित भाई उसमें है, जयदेव भाई उसमें, और साथ में ये आप कहीं जो ही टीम बॉन्डिंग की बात करते हैं आप, तो इसमें आप बताइए कौन सी मूवी देखने गए हुए थे आप, और दूसरी तस्वीर के बारे में आप क्या कहेंगे, उस मुकाबले के बारे में क्या कहेंगे? वो मुकाबला आई थिंक कि वन ऑफ दी हमने जब सबसे ज्यादा प्रेशर फील किया, वो आई थिंक कि ये मुकाबला था, क्योंकि एकदम वो लोग नजदीक थे, दोनों सेट बैट्समैन खेल रहे हैं, लास्ट सेशन है, और लाइक सिचुएशन कंडीशन भी ऐसे थे कि विकेट गिरने के चांसेस बहुत ही कम लग रहे थे, और वहां से जेडी भाई का एक्सपेल आता है वो फ्लैट डेक पे, फिफ्थ डे लास्ट सेशन, तो लाइक वहां से ही वो इंस्पायर करते हैं सबको कि नहीं वो कैसे अपने वो एफर्ट दिया था उन्होंने, और बहुत ही अच्छा, मतलब वन ऑफ द बेस्ट हमारा जो रणजी ट्रॉफी का विन है वो आई थिंक कि सेमीफाइनल है गुजरात के सामने। जी, और दूसरी तस्वीर जो मूवी की है, मैंने थोड़ा सा जूम करके कोशिश करी, तो पीछे जो नाम नजर आया मुझे, एक जगह स्त्री नजर आया, एक जगह मन मर्जियां था शायद, या कुछ और था मुझे याद नहीं आ रहा। आप कौन सी मूवी देखे थे उस दिन? हम मनमर्जिया देखने गए थे उस दिन, अच्छा, मैं वही मनमर्जिया कहूँ, क्योंकि देखी मैंने थी थोड़ा हमने। कोशिश किया, पीछे स्क्रीन्स भी नजर आ रही कि भाई इस पे ऑडी पे ये लगी है इस पे, तो मैंने बड़ा स्टॉक करके आया हूँ कल आपको। तो यही है शायद जो टीम बॉन्ड की हम बात करते हैं। बहुत ही अच्छा है टीम बॉन्ड, मैंने आपको बताया कि वन ऑफ दी आई थिंक कि वन ऑफ दी बेस्ट टीम बॉन्डिंग होगा क्रिकेटिंग टीम्स में, आई थिंक अभी पूरे इंडिया में। अच्छा प्रेरक भाई, मैं ये थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे जैसे जेडी भाई का आपने जिक्र किया, हम सबको पता है उनकी परफॉर्मेंसेस कितनी ज़्यादा, उन्होंने बड़ा अभी ट्वीट भी किया था, सब लोगों ने उसको देखा, बड़ा पसंद भी किया, अप्रिशिएट भी किया, जो ट्रोल करने वाले होते हैं वो भी करते हैं, लेकिन उन्होंने उनको भी बड़ा अच्छे तरीके से जवाब दिया। ये कभी कभी लगता है कि जेडी भाई को आईपीएल में एक दो स्पेल के बेसिस में लोग डिफाइन कर देते हैं या फिर सोच धारणा बना लेते हैं, बट उनकी जो परफॉर्मेंसेज रही है, चाहे फर्स्ट क्लास में हमने देखा है और लगातार सौराष्ट्र के लिए अक्रॉस फॉर्मेट्स दिखा है, ये लगता है कि फेयरली उनको वो ट्रीटमेंट और उस तरीके से उनकी बात नहीं होती जो शायद होनी चाहिए उनके लिए? मुझे तो पर्सनली लगता है, पर और उनका परफॉर्मेंस भी आपको मुझे मुझे लगे या फिर आपको लगे या और किसी को लगे उससे वो मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस है वही ऐसा है कि आप अगर देखे तो राजकोट के फ्लैट विकेट पे जी 4 विकेट, 5 विकेट, 6 विकेट, 7 विकेट लेते हैं हर मैच में, जाके वो राजकोट के फ्लैट विकेट पे बैट्समैन को, सेट बैट्समैन को आउट करते हैं, नए बैट्समैन को आउट कर, नए बॉल से विकेट लेते हैं, पुराने बॉल से विकेट लेते हैं, तो उनका परफॉर्मेंस ही जो है वो लाइक स्टैंड आउट है, कि उनके लिए किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि उनका परफॉर्मेंस ही ऐसा है, और किसी को लगने की जरूरत नहीं है कि ये फेयर हो रहा है कि नहीं, उनका परफॉर्मेंस जो है वो सब देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से सबको पता होना चाहिए कि नहीं वो क्या परफॉर्म करते हैं और उनको क्या, मतलब वो क्या डिजर्व करते हैं,
तो आई थिंक कि मुझे या फिर किसी और को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस ही इतना बोलता है कि नहीं ये बंदा है जो कुछ स्पेशल है। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि उनके लिए भी, क्योंकि आईपीएल हमेशा एक थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ठीक है डोमेस्टिक में आप अच्छा कर रहे हो, आईपीएल में भी आप अच्छा करते हो, तो एक प्रेशर डिफरेंट बनता है कि भाई इस बंदे को आप इग्नोर नहीं कर सकते, या फिर ये प्लेयर डिजर्व करता है। तो होपफुली उनके लिए भी कैंपेन अच्छी आई जो आने वाला सीजन है। अगली तस्वीर पर बढ़ते हैं, आई थिंक हमारे सेगमेंट की आखिरी तस्वीर होगी ये आपको वॉविक्शर ऑनर्स बोर्ड, ये शायद थोड़ा जूम करना पड़ेगा, बट इसमें मैं देख रहा हूँ चौथे नंबर पर प्रेरक मानकड़, 8 for 28, वार्डन्स वार्डन्स की तरफ से आप खेले थे, और दूसरा आई थिंक आप वहां से जब आखिरी मुकाबला खेल कर आए थे उसमें आप कैच अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये कैच हुआ या नहीं हुआ ये पहले आप बताइए, और फिर बात करेंगे 8 for 28 क्या वो स्पेल था, क्योंकि वो देखा नहीं है। उसमें आपने 6 बल्लेबाजों को तो 0 पर ही आउट कर दिया, किस तरीके की गेंदबाजी आपने करी और क्या था, थोड़ा बहुत आप उस पर बताइए। देखिए अब चौथे नंबर पर प्रेरक मानकड़, अगर आप थोड़ा सा उधर ले जाएंगे इसको, 8 for 28 आई थिंक वो फिगर्स थे, थोड़ा सा इसको रजत इस तरफ दिखाइए, जी ये रहा प्रेरक मानकर 8 for 28, 8 विकेटें निकाल दी थी। प्रेरक भाई इस पर क्या कहेंगे, पहले कैच वो हुआ नहीं हुआ ये बताइए, और फिर ये स्पेल के बारे में जानना है मुझे। नहीं वो कैच तो नहीं हुआ था, मैंने सिर्फ अटेम्प्ट किया था। वो हम 100 लास्ट वीक वहां पे था जो 100 बॉल गेम खेल रहे थे, मैंने अच्छा अटेम्प्ट किया था। वो कैच कैच नहीं हुआ था, अच्छा तो पर जो 100 बॉल हम वहां पर मैच पहले इस आपका तरीके से मैंने स्टार्ट आपका हुआ, 100 बॉल पहले इंग्लैंड में इस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया कि क्लब से स्टार्ट करके फिर वो मेन पर लेकर आए। हाँ वो बहुत 5 6 साल से वहां पे क्लब में है, वो हो रहा है। एंड ऑफ द समर वहां पे ऐसे 100 वाला गेम होता है, 15 ओवर 6 बॉल्स के होते हैं, और लास्ट ओवर 10 बॉल्स का होता है। ओके तो तब वहां पे ऐसा कुछ था। तो अभी तो 100 का मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है कि क्या रूल है, पर अब तब डिफरेंट जब है, मैं दस वहां पे दस खेला बॉल है, तब ओवर का सिस्टम नहीं है उसमें, आप अलग अलग बॉलर्स डाल, बहुत डिफरेंट अलग नियम है उसमें अब। हाँ, तो तब वहां पे वो स्टार्ट हुआ था, जब मैं वहां पे गया था तब वो खेल रहे थे ऐसा। और दूसरा जरा, 8 विकेटें, 6 बल्लेबाज, 0 पर ही आउट कर दिया आपने, तो क्या कुछ उस मैच में कौन सी आंधी ऐसी अरे मचाएगी? अरे वहां का आपको पता ही है इंग्लैंड में कैसे स्विंग होता है। और हम वो जो मैं जो लीग खेल रहा था वो ड्यूक्स बॉल से हम खेल रहे थे, तो एकदम वेदर पे डिपेंड करता है बहुत ही ज्यादा कि बॉल कितना स्विंग करेगा, कैसे खेलेगा विकेट। तो हमने जो वेदर था उसको देख के हमने बैटिंग टॉस जीतकर बैटिंग किया था शायद, और हम लोग 125 पे आउट हो गए थे। और उनके कुछ फास्ट बॉलर ने 6 या 7 विकेट लिए थे, जो पूरे एक्स काउंटी प्लेयर थे, वो भी फर्स्ट क्लास प्लेयर के थे वहां के। तो जो हमारे क्लब के जो हमारा जो सीनियर मेंबर्स थे वो आके मुझे बोलते कि अगर ये 6 7 विकेट ले सकता है तो तू 4 विकेट 5 विकेट तो ले ही सकता है ऐसा। मैंने बोला कि नहीं, आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे सडनली अगर धूप आता है तो स्विंग थोड़ा कम हो जाता है, अगर बादल आ गए तो सडनली स्विंग स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसे ही जैसे हमारा बॉलिंग स्टार्ट हुआ और एकदम ओवरकास्ट कंडीशन हो गया, तो फिर एकदम जैसे बोलते हैं कि जो स्विंग हो रहा था बॉल, मैंने आई थिंक वो देखा कि अभी तक का मेरा सबसे ज्यादा स्विंग था उस मैच में, मैंने वो देखा था। तो बस एक जे वो फिर से मैं आ जाता हूँ फिर राजकोट की विकेट पे। अगर मुझे राजकोट पे डालना है बॉलिंग तो मुझे एक जगह पे बॉलिंग डालना पड़ेगा, तो मैं वही वहां पे वही ट्राई करना था कि मुझे स्विंग नहीं कराना है, मुझे एक जगह पे बॉलिंग डालना है। और वो उसका ही रिवॉर्ड मुझे मिला कि मैं एक जगह पे डालता गया और वहां से स्विंग होता गया। तो फिर ऐसे ही वो एक स्पेल आया और हमने बनाया था 125, और वो लोग शायद 70 80 पे या ऐसा कुछ आउट हो गए थे। जी तो वही है, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा गेम था। वही बिल्कुल, राजकोट की मेहनत जो है आपको विदेशों में भी रंग लाई है, बिल्कुल जिस तरीके से हम कह रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे जाते जाते यही पूछेंगे, क्योंकि वो सवाल ऑब्वियसली आपसे बहुत ज़्यादा पूछा भी होगा, ऑब्वियसली आप भी मतलब कि जैसे आपके पिताजी भी क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं, आई थिंक अंपायरिंग में हुए, लेकिन आपसे कह भी रहे थे आप, एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि भाई कि आप क्या दी ग्रेट वीनू मानकर, जो कि हम कहते हैं लेजेंडरी ऑलराउंडर, उनसे क्या एसोसिएटेड है, कितनी बार लोगों ने आपसे सवाल पूछा है, और क्या ऑब्वियसली एक मोटिवेशन तो रहते ही होंगे यार, जिस तरीके के ऑलराउंडर वो थे, आप भी अब जैसे अपना गेम डेवलप कर रहे हो, तो एज एन वो ऑलराउंडर, वो स्ट्रेचर के आसपास भी अगर आप आओगे तो आपके लिए शायद कहेंगे आप अपने करियर को देखते हुए कि हाँ भाई मैंने भी बहुत कुछ अचीव किया। हाँ
नहीं, पहले तो हम उनके कोई आई डोंट थिंक कि हम क्लोज रिलेशन से है उनके, विनू मांकर सर के. पर अगर मैं उनके कुछ 10% भी अगर उनके परफॉर्मेंस का मैं करता हूँ तो वो मेरे लिए एक अचीवमेंट रहेगा, क्योंकि वो बहुत ही बड़े क्रिकेटर थे और उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है इंडिया के लिए. चलिए प्रियक भाई, बहुत बहुत हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेस आने वाला जो सीज़न है, होपफुली जो है रणजी भी जल्द से जल्द शुरू हो, वहाँ पर भी आपकी परफॉर्मेंस देखने को मिले और आपका ऑलराउंड शो जो है इसी तरीके से बरकरार रहे। आईपीएल ऑक्शन भी आने वाले हैं और हम उम्मीद यही करेंगे कि भाई जब आप ऑक्शन के दिन आपसे बात हो रही हो तो आपसे ये बात हो रही हो कि भाई कि ये आपकी टीम है, अब आपकी क्या तैयारियां रहेंगी, क्या कुछ आप और ज़्यादा लेकर आओगे। और उम्मीद यही करते हैं जिस तरीके से आपकी परफॉर्मेंसेज रही हैं ओवर द ईयर्स, इसी तरीके से आप कन्वर्ट करते रहो ये अपनी परफॉर्मेंसेज, और हम ये जरूर देखना चाहेंगे कि भाई आप भी एज एन ऑलराउंड ऑप्शन इंडिया को एक इतनी मजबूती दो और एक इतना जिसे कहते हैं ना सक्षम विकल्प दो कि भाई कभी भी आपको जरूरत पड़ती है आप प्रेरक मानकर की तरफ देख सकते हैं और वो डिलीवर करने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए प्रेरक भाई, और उम्मीद करते हैं आपको भी ये बातचीत पसंद आई होगी और इसी तरीके से आपसे जुड़ते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू मनोज भाई, थैंक यू.